जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद द्वारा संगठन के 10वें स्थापना दिवस व हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होने पर ऐतिहासिक गदा यात्रा निकाली गई। संतों की मौजूदगी में नौदरा ब्रिज हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर मानस भवन में धर्म सभा के रूप में संपन्न हुई। गदा यात्रा में 25 फुट का प्रतीकात्मक गदा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही ढोल नगाड़े, बैंड बाजे व दुर्लभ झांकियों के साथ यात्रा में हजारों राम भक्त भगवा झंडों के साथ शामिल हुए। मुख्य अतिथि कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार ने बताया, समाज के अंदर सनातनी सोच का विस्तार करना चाहिए। राष्ट्र प्रथम की सोच का प्रचार प्रसार करना सभी का दायित्व। समाज के अंदर सुधार करते हुए जातिवाद समाप्त करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। मेरा सौभाग्य है इस यात्रा का आज हिस्सा बना हूँ। हिंदू सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष सौरभ जैन ने बताया, विगत 10 वर्षों से संगठन के स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक गदा यात्रा का आयोजन किया जाता है। यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को एकत्रित किया जाता है। गदा यात्रा नौदरा ब्रिज हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर करमचंद चौक, तुलाराम चौक, अंधेर देव, बड़ा फुआरा, मालवी चौक होते हुए तीन पत्ती मानस भवन में धर्म सभा के रूप में संपन्न हुई। गदा यात्रा में विशिष्ट अतिथि प्रमोद मुतालिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सेना, कपिल मिश्रा, संस्थापक हिंदू इकोसिस्टम अभय वर्तक, प्रचारक हिंदू जनजागृति समिति सहित जगत गुरु राघव देवाचार्य महाराज, महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज, डॉक्टर स्वामी मुकुंद दास महाराज आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। जबलपुर से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली अपडेट्स का पता आपको आपके फोन पे पता चल जाए।